हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडल रिलीज होता क्या और मॉडल रिलीज को फील कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखें, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग किसी भी सूट में अगर पेपर वर्क न करें या फिर हम लोग मॉडल रिलीज फॉर्म ले जाना भूल जाए और सूट कर ले, उसके बाद हम लोग कैसे मॉडल से मॉडल रिलीज फॉर्म पर साइन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऑनलाइन के थ्रू किसी भी मॉडल से अपना मॉडल रिलीज फॉर्म को साइन करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रोसेस करेंगे वो एडोबी स्टॉक के थ्रू ही हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एडोबी स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो प्लीज़ जाकर के अपना एडोबी स्टॉक पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। एडोबी स्टॉक पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देख ले, उसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि एडोबी स्टॉक पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आ गया मैं अडोबी स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है कि कोई भी फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपलोडेड फाइल्स के ऊपर जाकर के क्लिक कीजिए। अपलोडेड फाइल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को रिलीजियस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रिलीजियस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो भी रिलीजियस है यहाँ पे आपका जो पहले आपने अपलोड किया हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पे पहले से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रिएट अ रिलीज पे क्लिक करना है। क्रिएट अ रिलीज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, अपलोड अ स्कैन रिलीज एंड यूज अडोबी साइन। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी मॉडल रिलीज फॉर्म है जो कि आपने पेपर पे साइन करवा लिया है तो आपको अपलोड स्कैन रिलीज में अपलोड कर देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको यूज अडोबी साइन पे क्लिक करना है। यूज अडोबी साइन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मॉडल रिलीज और प्रॉपर्टी रिलीज के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं मॉडल रिलीज में मॉडल रिलीज फिल करता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको नेम मॉडल का नेम और मॉडल का सरनेम देना है। तो मैं मॉडल का नेम और मॉडल का लास्ट नेम भर देता हूँ। तो कोई भी आपका जो मॉडल हो, मैं अपना खुद का नाम भरता हूँ, तो कोई भी मॉडल हो आप उसका नेम और सरनेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको मॉडल का ईमेल एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पे अपना खुद का ईमेल आईडी दे रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपके मॉडल के पास कौन से मेल आएंगे और उसमें आपके मॉडल को क्या करना है जिससे आपको जो मॉडल रिलीज फॉर्म है वो आपका सही से फॉर्म फिलअप हो जाए। ओके, मैंने ईमेल आईडी भर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, मॉडल का कोई एक छोटा सा पोर्ट्रेट आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये पोर्ट्रेट कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आपने जो शूट किया आप उसमें से कोई भी फ़ोटो एक ला करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, खुद का मैंने अपलोड कर दिया फ़ोटो। उसके बाद क्या करना है, रिलीज का लैंग्वेज आप लोगों को देना है। तो रिलीज का लैंग्वेज आप लोग इंग्लिश दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश और यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आपको दिखाई देंगे लेकिन आपको इंग्लिश देना है, इंग्लिश आपने दे दिया। उसके बाद ऐड अ कस्टम मैसेज इन ईमेल, यहाँ पे आप लोग कुछ भी सूट के बारे में या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं जिससे आपके मॉडल को पता चले कि ये मैसेज आपने कुछ किस लिए भेजा है और क्या इसका ज़रूरत है। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोटो और वीडियो शूट। इसमें क्या करना है, आप लोगों को जो भी आपने शूट किया है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। लाइक जैसे मैंने ये शूट किया था मास्क के ऊपर, तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ, मास्क शूट, और इसका लोकेशन मैं दे देता हूँ। ये हो गया मेरा इन्फॉर्मेशन मॉडल का। उसके बाद क्या करना है कि आपने ये शूट किस दिन किया था उसका डेट देना है। तो ये शूट मैंने जून 8 2020 को किया था, तो मैंने ये 8 जून 2020 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम लोगों को रिव्यू रिक्वेस्ट पे जाकर के क्लिक करना है। रिव्यू रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया एक PDF फाइल खुल जाएगा। इसमें क्या करना है, आप लोगों को व्यू एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीज में क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे करेंगे आपका जो प्रीव्यू है मॉडल रिलीज का वो यहाँ पे आपको खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके मॉडल रिलीज में क्या क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सेंड रिक्वेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके मॉडल के पास एक मेल जाएगा, उस मेल में आपके मॉडल को कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि मॉडल के पास कौन सा मेल जाएगा, उसमें उसको क्या फिल करना होगा। तो यहाँ आ गया मैं मॉडल के ईमेल के ऊपर। आपके मॉडल के पास कुछ इस प्रकार के ईमेल आएंगे। इसमें क्या करना है, आपके मॉडल को रिव्यू एंड साइन के ऊपर क्लिक करना है। रिव्यू एंड साइन के ऊपर जैसे ही आपका मॉडल क्लिक करेगा उसके सामने एक PDF फाइल खुलेगा, लाइक दिस देख सकते हैं आप लोग।
ओके यहाँ पे क्या है कि आपके मॉडल को उसका कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, लाइक उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि आपके मॉडल को उसका जेंडर फिल करना है, तो यहाँ पे उसको कुछ भी मेल या फीमेल जो भी है वो यहाँ पे फिल कर देना है। ओके इसके बाद यहाँ पे एथनीसिटी का आता है। एथनीसिटी में आपका जो मॉडल है वो साउथ इंडियन है या इंडियन है या फिर साउथ एशियन है या एशियन है, कुछ भी यहाँ पे है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो मेरा जो मॉडल है बेसिकली हम लोग कुल इंडियन जो भी होते हैं वो एथनीसिटी में इंडियन होते या फिर साउथ एशियन होते, तो यहाँ पर मैं इंडियन फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे एड्रेस में आपका जो मॉडल का कोई भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देना है उनको। ओके उसके बाद आता है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर में मॉडल का जो करंट का फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। ये जो भी काम हो रहा है ये आपका मॉडल फिल करेगा, ये आपको फिल नहीं करना है। ये आपके ये जो फॉर्म जा रहा है ये आपके मॉडल के पास जाएगा, तो ये जो भी काम होगा ये आपका मॉडल करेगा। तो प्लीज़ आप ये जो सीक्वेंस है ये आप अपने मॉडल को दिखाएं, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या फिल करना है तो आप ये वाला सीक्वेंस प्लीज़ अपने मॉडल को दिखाएं ताकि उसको समझ में आए कि कहाँ पर क्या भरना है। लास्ट में मॉडल को क्लिक हियर टू साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही मॉडल आपका क्लिक करेगा यहाँ पे साइन का ऑप्शन आएगा, तो मॉडल को क्या करना है कि यहाँ टाइप भी कर सकता है या यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता है, या अगर उसका कोई साइन का इमेज पहले से दिया हुआ है तो वो इमेज को यहाँ पे जस्ट अपलोड कर देगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो साइन है वो मॉडल के रिलीज पे अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो सबसे ईजी है वो करना है क्या है कि ड्रॉ पे जाना है, ड्रॉ पे जा करके मॉडल को अपना साइन यहाँ पे लिख कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसको अपना नाम नेम फिल करना है, उसके बाद अप्लाई पे जाकर क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इतना काम हो गया, मॉडल का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मॉडल को क्लिक एंड साइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक एंड साइन पे जैसे ही क्लिक करेगा मॉडल का काम यहाँ पे समाप्त हो क्लिक एंड साइन पे जैसे ही क्लिक करेगा मॉडल का यहाँ पे काम समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका काम आता है, आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगा जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि अब आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसा आप लोगों को मेल आएगा और वहाँ पे आप लोग कैसे अपना साइन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको भी एक ईमेल आ जाएगा, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को भी रिव्यू एंड साइन पे क्लिक करना। रिव्यू एंड साइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो सेम पीडीएफ फाइल खुल जाएगा, उसमें क्या करना है आप लोगों को सिग्नेचर पे जाना है और जस्ट आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आपका जो मॉडल रिलीज है वो रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है क्लिक टू साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो मॉडल रिलीज है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप डाउनलोड और कॉपी पे क्लिक करके अपना जो मॉडल रिलीज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस मॉडल रिलीज को और दूसरे वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं। और ये जो मॉडल रिलीज है वो आपके एडोबी स्टॉक साइट पे भी आ जाएगा, तो आप लोग अपने एडोबी स्टॉक साइट पे भी जा करके रिलीजेस में जा करके देख सकते हैं कि आपका जो मॉडल रिलीज फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया है और आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फोटोग्राफी और स्टॉक फोटोग्राफी से रिलेटेड और भी वीडियोज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं आप लोगों के सामने उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए।